भारत की परिस्थिति जरूर गंभीर है, लेकिन मुझे लगता है बात चिंता की है, फिर भी सरकार, केंद्र सरकार अब बहुत ही अच्छे तरीके से काम को लगी है। मैं देख रहा हूँ ऑक्सीजन की सप्लाई के बारे में या वैक्सीन के सप्लाई के बारे में, जब ये इस प्रकार की गंभीर स्थिति इटली में थी, यूरोप में भी थी फर्स्ट वेव, यूएस में थी फर्स्ट वेव, चाइना में थी फर्स्ट वेव, हम फर्स्ट वेव से के साथ अच्छी जंग किया है, अब सेकंड वेव में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है जिसे प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन अब परिस्थिति नियंत्रण में आने की कोशिश चल रही है। तो मुझे लगता है हम सभी ने अब सकारात्मक ढंग से सोचना चाहिए और जो भी प्रयास, चाहे सरकार हो, केंद्र की हो, राज्य की हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, या एनजीओ हो, उनके साथ हम सकारात्मक ढंग से सोचना चाहिए कि हमारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा बोझ हमारे सिस्टम के ऊपर है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी देश की बहुत बदनामी हो रही है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये सब हमको दूर करना पड़ेगा, एक कलंक दूर करना पड़ेगा और फिर एक बार हिंदुस्तान को अपने जुने पुराने अंदाज में उठकर। सर राज्यसभा इन्होंने कहा है कि अगर एक तारीख तक वैक्सीन आ गए तो ही वैक्सीनेशन हो सकता है, कुछ ने कहा है राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा की बात भी सही है। मैं आज पढ़ रहा था सीरम का उत्पादन लगभग बंद हुआ है, प्रोडक्शन तो दूसरे भी प्रयास जारी है, महाराष्ट्र मुंबई का आंकड़ा कम हो रहा है। आप देखो कि मुंबई में लॉकडाउन के बाद जो आंकड़ा बढ़ रहा था संख्या, वो कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं सब लोग प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने 24 घंटा काम चल रहा है, हर गांव में हर घर में क्या हो रहा है उस बारे में वो जानकारी ले रहे हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रखकर महाराष्ट्र में जल्दी ही कोरोना नियंत्रण में आने के प्रयास जारी है। हमारे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे जी हो, हमारे मुख्यमंत्री जी हो, उद्धव ठाकरे जी या डिप्यूटी सीएम हो, हर व्यक्ति चाहे शासन में हो चाहे प्रशासन में हो, बहुत ही ताकत से काम कर रहे हैं। सर मराठी मध्ये सांगा, ज्या प्रकारे रुग्ण 3 लाखाच्या घरात, देशामधली ही परिस्थिती गंभीर आहे, याचं कारण असं आहे की काही राज्यांनी सुरुवातीपासून टेस्टिंग केलं नाही, ते अचानक त्या ज्या लाटा उसळत आहेत या मोठ्या राज्यातल्या आहेत, मग उत्तर प्रदेश असेल, बिहार असेल, आता पश्चिम बंगालमधून आकडे यायला सुरुवात झालेली आहे, पण मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात आपण पाहिलं असेल हे आकडे आता जवळजवळ निम्म्यावरती यायला लागलेले आहे। याचं कारण महाराष्ट्रामध्ये आता पूर्णपणे सरकार, प्रशासन, स्वतः मुख्यमंत्री, जिल्ह्याचे प्रशासक या सगळ्यांनी आपल्या हातामध्ये सूत्र हाती घेऊन अगदी गाव पातळीवरती करोना संदर्भातली जी एक यंत्रणा आहे ती राबते आहे की नाही याचे मुख्यमंत्री स्वतःचे पाहत आहे। मला वाटतं की दिल्लीसुद्धा आता त्या दिशेनं, महाराष्ट्राचं मॉडेल आतापर्यंत इतर मॉडेल्स आपण आपल्या समोर ठेवली जात होती, पण आता मुंबई मॉडेल, महाराष्ट्र मॉडेल ज्या पद्धतीनं काम करते, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ज्या पद्धतीनं काम करतात, त्या पद्धतीनं देशाला काम करावं लागेल। सर मुंबईत लॉकडाऊनचे संकेत आहेत का, राज्यामध्ये लॉकडाऊनचे संकेत आहेत, कॅबिनेट बैठक आहे, एक पहा की मुंबईसारख्या ठिकाणी या लॉकडाऊनचा परिणाम दिसायला लागला आहे, रुग्णसंख्या निम्म्यावरती येते, जर ही रुग्णसंख्या कमी होत असेल, संक्रमण कमी होत असेल, तर काही कठोर निर्बंध सरकारने घेतले तर आपण सरकारला पाठिंबा दिला पाहिजे। सर प्रियंका गांधी इन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ यूपी में जो मृत्यु के आंकड़े हैं वो छुपा रहे हैं। देखिए प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और उनकी लोकसंख्या भी भारी है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे गाज़ियाबाद, जिस तरह से वहाँ के जो पिक्चर सामने आ रहा है वो बहुत बहुत चिंताजनक है, लेकिन उसका ऊपर टिक्का टिप्पणी करने से हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को भी क्या मदद कर सकते हैं ये हमको देखना पड़ेगा।